नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एक अहम विषय पर। पिछले एपिसोड्स में आपने हमें देखा होगा, सुना होगा बात करते हुए कि धरती का मालिक कौन है, आखिरकार धरती पर हम अपना अधिकार क्यों जताते हैं और क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं शंकर सरकार जी से, ये जानने के लिए कि अगर धरती का मालिक हम लोग नहीं हैं तो हमारा मालिक कौन है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं शंकर सरकार जी, उनका स्वागत करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। सर, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी, हमने समझा था कि धरती पर अधिकार हमें क्यों नहीं जताना चाहिए, सारी चीज़ों पर बात कर ली। अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि हम धरती का मालिक नहीं हैं, आपके मालिक कौन हैं? मेरा मालिक हमारा अंदर है, वो है हमारा विवेक, वो है आसमान। सबका मालिक है, उनका शरीर का अंदर बसा हुआ है, ठहरा हुआ है, वो है विवेक चैतन्य। ठीक है। जो हमारा हार्ट बीट धुक-धुक करके हर वक्त वो सप्लाई देता है, बिजली हमको चाहिए पंप चलाने के लिए, मोटर चलाने के, तो मेरा हार्ट बीट जो मोटर है जो चलता है उसका एनर्जी कहाँ से आता है? एक्चुअल मालिक सबका है, लेकिन वो मालिक को छोड़ के हम लोग खुद का मालिक बन गया। तो एक स्टोरी है जी, स्टोरी भी हकीकत है। अच्छा, बताइए। वो है एक चीता है ना, चीता समझते हैं ना आप लोग? हाँ हाँ। चीता गाय को पीछे से देखा, गर्मी का टाइम था तो गाय को पानी पीना है, बहुत गर्मी पड़ा है, गाय को पानी पीने के लिए तालाब में घुस गया। गर्मी के टाइम में क्या होता है, तालाब में ऊपर का जो मिट्टी होता है सूख जाता है, नीचे मिट्टी का गीला रहता है, तो उस टाइम गाय जाके फंस जाता है, पानी खाने पीने जाता है। तो गाय जब फंस गया, चारों पांव फंस गया, तो पीछे से चीता आके ऊपर से छलांग लगा के गाय का बाजू में फंस गया। अच्छा। तो चीता भी फंस गया, गाय तो पहले ही फंस चुके हैं, तो गाय उसका तरफ देखता है, चीता भी उसको तरफ देखता है। गाय उसको बताता है, अरे भाई मेरा मालिक है, वो आएगा मेरे को कीचड़ से उठाएगा, घर लेके जाएगा और प्यार भी करेगा, तेरा तो मालिक नहीं है, तो मेरा मालिक आके तेरे को डंडा से मारेगा, देख लेना। वही हुआ। अच्छा। गाय का मालिक आके ढूंढते हुए उसको पानी से कीचड़ से उठाया, पानी से धुलाई किया, खाना खिलाया और घर लेके गया, और वो चीता को सब गांव वाला मिलके मार दिया। तो उसका मालिक है, उसका सोच है गाय का, ये हमारा मालिक है। एक गाय सोचता है, एक जीव सोचता है, इंसान नहीं सोचता है, इंसान खुद मालिक बन जाता है। तो ये विवेक में हमें पता होना चाहिए अंदर कि कहीं ना कहीं हमारा मालिक तो है, और जब हमारा मालिक हमें लेने आएंगे या रेस्क्यू करने आएंगे, ये जो हम संसार में फंसे हुए हैं सब चीज़ों से, तब हम मुक्त हो पाएंगे एक तरह से, जैसा कि आपने कहा। एकदम। तो इसलिए मालिक को हर वक्त याद करना चाहिए कि हमारा मालिक है, इसके बारे में सोच एकदम परफेक्ट होना चाहिए। प्रेसिडेंट, हम अगर बात करें अन्य धर्मों की, हम बात करें सनातनियों की, बात करें मुस्लिम ईसाइयों की बात करें, उनके पास याद करने के लिए कोई एक परमेश्वर है। अगर इमेजिन करें हमें याद करना है कोई, अगर सनातनी है तो बात करेंगे, वो याद करेंगे अपने श्री कृष्ण शिव जी को याद करेंगे, या नहीं, हम कोई मजहब को याद करने का जरूरत नहीं। नहीं, मैं मेरा मतलब जिसका, जिसका विश्वास है वो करो। हाँ, लेकिन करने का बाद देखो क्या मिलता है। कोई आता है, दर्द होता है तो किसको लगता है? हमको लगता है, लेकिन हमारा शरीर क्या है? मांस है, हड्डियां है, खून है। तो आपके मालिक कौन है? जैसे हमने सबका मालिक सबका अंदर बैठा हुआ है। अच्छा। वो है विवेक। विवेक विवेक चैतन्य सबसे बड़ा मालिक है।
तो विवेक तो नजर नहीं आता प्रेसिडेंट, नजर नहीं आता है वो जो है, जो कौन देखता है, कौन खाता है, कौन सुनता है, कौन समझता है, वो तो हम समझते हैं। ये वो बुरा है, ये अच्छा है, ये हम समझते हैं। मेरा शरीर दर्द हो रहा है, वो कौन कौन बताता है? वो देखिए, हमें ये लगता है, मतलब मैं आपसे ही समझना चाह रही हूँ, क्योंकि हमको ये लगता है हम खाना खा रहे हैं, मैं खाना खा रही हूँ, मैं चल रही हूँ, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि विवेक से हम चल रहे हैं। आधार का ऊपर हम खा रहा है, बोल रहा है, हम देख रहा है, हम सुन रहा है, हम समझते हैं, वो हम कहाँ है, वो कौन है भाई, उसको दिखाओ। वही तो आपसे जानना है हमें। वो तो दिखाना नहीं सकता है। अच्छा, मालूम होता है। हाँ। समझ सकता है, ठीक है, लेकिन उसको दिखाने के लिए उनको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन, ओनली फॉर मेडिटेशन। ओके, वो मेडिटेशन धरती में जो आदमी बताता है ये करो फलाना करो, उसको कुछ मालूम नहीं है। वो मेडिटेशन खुद किया नहीं है, खुद को कुछ रिजल्ट नहीं मिला है, उस खुद को किसी को भी समझ में नहीं आया, लेकिन बात तो बोल देता है। हम करके दिखाएंगे। हम तो चाहते हैं कोई आदमी हमको बुलाए, कोई संस्था मेरे को बुलाए, हाउ टू मेडिटेशन, कैसे खुद को याद कर सकता है, कैसे खुद को पहचान सकता है। तो प्रेसिडेंट, इसके लिए दूध से मक्खन अलग करने के लिए मंथन करना पड़ता है। प्रेसिडेंट, हमारे व्यूअर्स को बताइए ना किस तरह से मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के लिए लंबा एक प्रैक्टिस है। अच्छा, ठीक है। प्रैक्टिस से पहले एक टारगेट है, सोच है, प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। अच्छा, फलाना काम हमको करना है। अच्छा, कलकत्ता से हम दिल्ली आया नोएडा में, तो उसके लिए हमारा टारगेट था शूटिंग के लिए, मनुष्य के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पृथ्वी के लिए, सबको बात सही बात, जिसका पास मालूम नहीं है, जो धरती का मालिक बन गया, धरती का मालिक दूसरा आदमी है, जो हमारा सबका अंदर, सभी जीव का अंदर विवेक बन के, दास बन के, नफर बन के, नौकर बन के, सर्वेंट बन के बैठा है, वो नींद में सोता नहीं, हम तो सोते हैं, हम नींद में जाते हैं, निद्रा में सो जाते हैं, सपनों भी देखते हैं, वो कहाँ जाता है? हम जब सो जाते हैं तो हमारा हार्ट बीट चलता कि नहीं चलता है? चलता है। कौन चलाता है भाई, ये तो सोचना चाहिए कि हमारा हार्ट बीट कौन चलाता है। हम तो सो जाते हैं खाना वाना खा के, दारू पी के, और हमारा कोई ऑपरेशन होगा, डॉक्टर हमको एनेस्थीसिया करते हैं, तो हमारा उससे हार्ट बीट नहीं चलता है? चलता है, चलता है। उसको तो अलग नहीं कर सकता, विवेक को, हार्ट बीट को बंद करके कम नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल हार्ट बीट चलाना पड़ता है। इसलिए सबका अंदर, सभी जीव का अंदर, प्राणी का अंदर विवेक चैतन्य है, वो हमारा सबसे बड़ा मजहब है, उसको पहचानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, आज जाने का टाइम, मरने के बाद क्या लेके जाएंगे, इसके बारे में किसी को सोच नहीं है। जन्म लिया, ज्यादा से ज्यादा 100 साल 200 साल जिएंगे, बाद में क्या हुआ, मरना तो है सबको। ऐसा कोई भगवान, देवता, कोई मनुष्य, कोई भगवान, कोई साइंटिस्ट, कोई विज्ञानी, कोई पढ़े लिखे हो, पैसा वाला हो, सबको तो मरना है, सबको आया तो जाना है। हम दिल्ली में, नोएडा में आए, हमको तो कलकत्ता घूम के जाना है, यहाँ का काम करने का बाद हमको तो दिल्ली जाना ही, कलकत्ता जाना ही पड़ेगा। तो हम जब धरती में जन्म लिया, हमको एक्सेस मिल गया, हम आ गया, अनुमोदन मिल गया, फिर जाने का टाइम क्या लेके जाएंगे, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। आदमी मर जाता है तो घर का जितना प्यारे आदमी हो, कोई भी हो, जो मरने वाला लाश होता है, बॉडी होता है, उसको 2 घंटे का अंदर बाहर कर देता है, तो उस टाइम उसको क्यों घर में नहीं रखता, उसकी कीमत खत्म हो गया, क्योंकि उसका अंदर जो मालिक था वो निकल गया। मालिक जहाँ का मालिक, सबका मालिक एक ही मालिक है, वो आसमान। अच्छा, आसमान से हम लोग आया है। अभी जो धरती है, पृथ्वी है, ये वर्ल्ड, ये कहाँ से आया? सूरज से। अच्छा, सूरज कहाँ से आया? आसमान से। सूरज अभी कहाँ है?
पृथ्वी कहाँ है? आसमान में, आसमान में। हम लोग कहाँ है? आसमान में। अभी धरती में बैठा है, लेकिन एक्चुअल में तो हम धरती में नहीं है, आसमान में है। धरती तो आसमान में है ना, यही आसमान का बात हम कर रहा हूँ। कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन खाता है, कौन समझता है, दिखाइए। यही तो मुश्किल हो गया ना जी। सब धर्म का नाम पर बिजनेस कर रहा है, आदमी आदमी का शोषण कर रहा है, आदमी आदमी का दुश्मन बन चुके हैं। प्रेसिडेंट, ये तो आप सही कह रहे हैं कि आदमी आदमी का दुश्मन बन चुका है, सबसे बड़ा खुद खुद का दुश्मन है, खुद खुद का दुश्मन बना हुआ है। लेकिन आप हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है, मैं सही बताऊं, क्योंकि इस तरह से लोगों की सेवा करना और इस तरह से इस दल को आगे बढ़ा रहे हैं आप, और लोगों को जुड़ने के लिए भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं, हम जानते हैं कि आप डोनेशन के लिए कभी बात नहीं करते। नहीं, हमको डोनेशन जरूरत नहीं है, कोई देगा हम लेता है। जी जी। तो पैसा यहाँ जीने के लिए, जो मालिक जब तक रहेगा धरती में, धरती में सरकार रहेगा, म्युनिसिपैलिटी रहेगा, बिजनेस रहेगा, पुलिस मिलिट्री रहेगा, तो खाना कहाँ से आएगा, उचार कैसे चलेगा, आदमी का पास हम कैसे जुड़ेंगे, कैसे बस उसका पास हम जाएंगे, कोई बुलाएंगे तो हमको हर देश में, हर कंट्री में, हर स्टेट में हमको जाना पड़ेगा। जाने के लिए तो पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अभी तक हमारा 76 उम्र हो गया जी, हमारा संगठन भी 1966 में। पर आप स्टिल यंग हैं प्रेसिडेंट, कोई कह नहीं सकता कि आपकी एज इतनी हो गई, एज इज जस्ट अ नंबर, आप इसको यथार्थ कर रहे हैं। ये तो संयमी होना चाहिए जी, खुद खुद का दुश्मन मत बनना चाहिए जी जी, और मेडिटेशन करना चाहिए जी। हर इंसान का अंदर, हर प्राणी का अंदर 50,000 crore सोल होता है, आत्मा होता है। आपने बताया था, वो लोग क्या खाएगा, क्या खाएगा? हम लोग तो दाल चावल खा लेते हैं और भी बहुत कुछ खा लेते हैं, वो लोग के लिए हम लोग क्या खाएंगे, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। हम खाते हैं, हम अकेला तो है नहीं, 50,000 crore आत्मा है, किसी को मालूम नहीं है, बड़ा बड़ा बात करता है। इतना आदमी, इतना बड़ा क्लब, ये मेरा शरीर, आपका शरीर, सबका शरीर, जो बदन है, ये क्लब है, इसका मेंबर है 50,000 crore, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, उसके लिए देखभाल कौन करेगा? मस्जिद में, मंदिर में जो कीर्तन होता है, अजान होता है, मेला होता है, बातचीत होता है, मंदिर में कीर्तनिया लोग कीर्तन करते हैं, गाना बजाता है, ढोल बजाता है, खनखनी बजाता है, करताल बजाता है, कीर्तन हो गया, सब निकल गया, मंदिर में क्या पड़ा रहेगा, हारमोनियम, खोल करताल। तो हमारा शरीर भी एक मंदिर है, जिंदा मंदिर, चलता फिरता मंदिर, कर्म करने वाला मंदिर, बात करने वाला मंदिर, जिहाद करने वाला मंदिर, सबको प्यार देने वाला मंदिर। मंदिर में कोई, मंदिर में कोई मूर्ति बात करता है, मंदिर में कुछ मिला है किसी को, तो बकवास की बात है। अच्छा प्रेसिडेंट, मुझे अब आप अपना बताइए, आप कब मेडिटेट करते हैं, कितना मेडिटेट करते हैं, आपकी क्या दिनचर्या रहती है? देखिए, जब सोच और हम एक हो जाएंगे, हमारा चिंतन, हमारा सिद्धांत सबका एक हो जाएगा, जो खुद जिएंगे और दूसरों को जीने देंगे, और जीने के लिए हमको क्या करना चाहिए, पहले खुद को सेफ करो। मेरा गुरुजी बालक ब्रह्मचारी, उनका नाम, असली नाम है, पिता माता का दिया हुआ नाम वीरेंद्र चक्रवर्ती, उसने पहले बताया सबको, हमको भी बताया, पहले तुम खुद को सेफ करो, रक्षा करो। ठीक है, तो हम कैसे रक्षा करेंगे? हम दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, पान खाएंगे, खोइनी खाएंगे, और अफीम खाएंगे, हर चीज खा लेते, मरते जल्दी जल्दी। तो जो इंसान खुद को सेफ नहीं कर सकता है, रक्षा नहीं कर सकता है, दूसरों को कैसे रक्षा करेगा, मदद करेगा, मतलब ही नहीं। हर इंसान को पहले खुद को कीमत देना चाहिए, हम कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे और क्या लेके जाएंगे मरने के बाद। क्या लेकर जाएंगे प्रेसिडेंट? ज्ञान लेके जाएंगे, पुका लेके जाएंगे, एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। अच्छा, तो जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, हाँ, कॉलेज में जाते हैं, हाँ, पीएचडी करते हैं, हाँ, तो हम क्या लेके आते हैं? ज्ञान लेके आते हैं। ज्ञान लेकर आते हैं, ज्ञान भी एक वस्तु है,
एक नॉलेज है, एक सोच है, एक दिशा है, तो प्रकृति का जो ज्ञान है, प्रकृति जो कर्म करती है वही हमारा ज्ञान है। वो प्रकृति का भाषा समझना चाहिए। प्रकृति का हर चीज हमारा शरीर के अंदर है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आसमान में और नेचर में नहीं है। हर चीज हमारा शरीर में है, आपका शरीर में है, सबका बदन में है, हर पानी का अंदर है जी। तो इसलिए हम लोग को आगे सोचना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। खुद जियो, दूसरों को जीने दो। प्रेसिडेंट, हम खुद जीने की कला तो कर लेंगे, आप मेडिटेट कब करते हैं मुझे ये बताइए। हमको तो मेडिटेट, हम मन ही हमारा मेडिटेट हो गया। अच्छा, मन हमारा, मन को पूरा उनका साथ जोड़ चुके हैं। अच्छा, मन, विवेक, चैतन्य, आत्मा, शरीर एक ही चीज है। हमेशा आप मेडिटेशन वाली स्टेट में रहते हैं। चिंतन ही हमारा मेडिटेशन है जी। सिद्धांत हमारा मेडिटेशन है। मेरा सोच मेडिटेशन है जी। तो आगे और तो कोई हैंकी पैंकी नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। खुद खुद का साथ तो दुश्मनी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सबको बेकूफ बना सकता है। हुँ। कोई आदमी खुद को बेकूफ बना सकता है? पॉसिबल। सबको धोखा दे सकता है, खुद को धोखा कैसे देगा? लेकिन जानबूझ के धोखा देता है। अच्छा, जानबूझ के हम लोग दुश्मन मानते हैं। क्यों? विवेक विरोधी काम करती है जी। जो इंसान विवेक विरोधी काम करता है उसका पतन होगा और उसका फॉल डाउन होगा, उसको सर्वनाश होगा ही होगा। तो ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। एक इंसान को धरती में, वर्ल्ड में एक इंसान का नाम बोलिए ना जो वो खुद को प्यार करती है, ऐसे आदमी एक नाम बताइए, हम उसको दर्शन करना चाहते हैं। सबको एक मंच में आने बोली ना, बातचीत हो जाए, बातचीत होके मंथन करके एक दिशा निकल जाएगा। सही बात है। उसका पास अच्छा मजहब है, अच्छा सोच है, हमको दीजिए। अगर हमारा बात अच्छा लगे, मेरा गुरु का बात, प्रकृति का बात, हमारा बात नहीं है, गुरु का बात नहीं है, बात नेचर का है, हर चीज नेचर का है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आपसे हमें बहुत कुछ चर्चा करनी है। आज के इस एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ समझा कि हमारा मालिक कौन है, आपका मालिक कौन है, ये हमने जाना। इस चर्चा को हम आगे और बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं पर विराम लगाने का। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, आप यहाँ आए, आपने कीमती समय दिया। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम पसंद आया होगा। और हमारा मालिक कौन है? हमारा स्वयं विवेक है, ये चीज़ आज के इस कार्यक्रम से हमें ज़रूर समझ में आई है। इसी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं संतान दल से तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और जितना हो सके आप उतना डोनेट कर सकते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको ये अमाउंट ही करना है। आप जितना आपसे पॉसिबल है आप उतना डोनेट कर सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद की सहायता के लिए आगे ज़रूर आए। इसी मंगल भावना के साथ मैं लेती हूँ आज्ञा, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण राम शाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है, यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इसने कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 2665050657, IFSC कोड ICIC000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, फोन नंबर 6291342066, 9836607303, ईमेल आईडी संतान दल 1960@gmail.com।